उमेश नंद कथावाचक विश्वजी महाराज आउसाई कोलकाता प्रांति जयसवाल समाज महिला कम्युनिटी जब से छपी देती
देवास्थान दरबार प्रथमान न्यासन देह दर्कम मै। ये बहुत खुशी की बात है, आज आपने राधे राधे का प्रोग्राम देखा। मैं आओ साई कोलकाता तरफ से अनिल जायसवाल साई हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ। मैं साई बाबा के दरबार से, आपको मालूम साई बाबा के लिए हर एक प्रोग्राम करता रहा हूँ। और हम ये जरूरी नहीं कि साई बाबा तो सबको लेकर चलना, सबका मालिक है। मैं चाहता हूँ साई बाबा सबको ऐसे ऐसे दुआ देते रहे, आशीर्वाद देते रहे, साथ साथ हमको भी दे। बाबा से बोल रहा मैं अनिल जायसवाल साहू, आई आओ साई कोलकाता तरफ से फाउंडर मेंबर हूँ। भागवत का मतलब होता है भक्त और भगवान। भागवत का अर्थ है मुक्ति का साधन। पितरों को आनंद कराने वाला, भगवान से जोड़ने वाला। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमै करूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदंती। भागवत का मतलब होता है कि आपके अंदर भक्ति है, पर जब भागवत मिल जाता है तो पूरे शरीर में ज्ञान और वैराग्य ताता थैया करने लगते हैं, आनंदित रोम रोम पुलकित हो जाता है। गुरु जी का भागवत तो मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। ये असल में क्या ऐसा इनका रहता है कि बिना बुलाए लोग चले आते हैं। मैं आशा करता हूँ कि उमेश जी महाराज तो हमारे आज से संपर्क नहीं है, वो तो जानते हो तो हंस ही रहे होंगे। हमारे फैमिली रिलेशन भी है उनसे, हमारे पास हमेशा आते रहते हैं, सभी जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत खुशी की बात है कि आज जायसवाल विद्या मंदिर आज हम लोग का यहाँ पूर्ण हो गया है। कि हम लोग बहुत दिन से आशा करते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा प्रोग्राम करें। शुरुआत उमेश पंडित जी दिए हुआ खास, मतलब क्या नाम है, राजेश जायसवाल जी के उपलक्ष्य से हुआ है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होता रहे, ऐसे हम लोग आनंद देते रहे। ये 2 तारीख तक चलेगा, 2 तारीख का समापन है 2 अक्टूबर को। हम चाहेंगे दो आपको सुविधा 2 अक्टूबर को भी आप 2 बजे करीब आ जाइएगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। हम सभी आज ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम ही है श्री कृष्ण जायसवाल लोहा सोसाइटी भवन, और जैसा कि नाम है उसके अनुरूप आज ये भागवत कथा, भगवान कृष्ण की कथा हम सभी सुन रहे हैं। और कृष्ण की कथा सुनना मतलब मानव जन्म, अपने जन्म को शुद्ध करना और भगवान की राहों पर ले जाना है। मेरा ये मानना है कि भागवत सुनने से ही मनुष्य के सारे पाप दोष कष्ट मिट जाते हैं, मन में वैराग्य और भक्ति का समावेश होता है। गोविंद कुछ भी नहीं है, राधे में ही गोविंद है, गोविंद में ही राधे हैं, दोनों एक ही हैं। चाहे राधे राधे बोलिए, चाहे श्याम बोलिए, वो राधे बोलने से ही बाके बिहारी खुश हो जाते हैं। हमेशा बाके बिहारी का गुणगान नहीं, संग में उनका राधे जी का भी नाम लेना चाहिए। और यहाँ पे हम सभी भागवत में आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अपने जाने माने लोग हैं यहाँ पे, इसलिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि जाने पहचाने लोगों से मिल रहे हैं। और पंडित जी बहुत अच्छा कथा कहते हैं, एकदम दिल को छू जाता है। जी महाराज जो हैं हमारे पड़ोसी हैं, और कई सालों से ये सेवा करते आ रहे हैं और प्रचार करते आ रहे हैं ताकि ज्ञान हो हमारे समाज में। हमको जब बोले हो हमने चलो भाई ठीक है, राजेश भैया का धर्मशाला मिला और विजय भैया प्रसाद का व्यवस्था करवाए, पानी की व्यवस्था करवाए, सभी मिलके। हम तो यही कहेंगे जनता जनार्दन से, सेवक से, कि सभी मिलके कुछ न कुछ पंडित जी को वहाँ पर सेवा करते रहिए ताकि ये 2 तारीख तक अच्छा से चले, जायसवाल समाज के नाम से ये चलता रहे।